आज मेरे साथ जो कलाकार आर्टिस्ट मौजूद हैं वो हैं सुशांत सिंह राजपूत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लगा आपसे मिलके सुशांत जी। बड़ा अजीब लग रहा है सुशांत से, अच्छा लगा सुशांत मिलके। वैसे आपको बता दूं कि सुशांत नाम के जो लोग होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, ये सबूत मेरे सामने, मैं भी थोड़ा बहुत हूँ। तो सुशांत, टैलेंट की बात आई है, आप धोनी की बायोपिक में खुद धोनी बने, तो थोड़ा सा बताइए ना कि कैसा है धोनी बनना, कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ जनरली लोगों को लगता है क्रिकेट सीख जाएंगे या उनकी तरह क्रिकेट खेल लेंगे तो हम धोनी बन सकते हैं, लेकिन जो चीज़ उनको डिफाइन करती है वो उनकी सोच है, उनका सोचने का तरीका है। अच्छा। जो कि हमें पता होता है लेकिन हम कभी अपनी लाइफ में करते नहीं। जैसे हमें बचपन से पता है कि यार फार ऑफ नाउ, अभी रहना, यहाँ पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि फ्यूचर में और पास्ट में, लेकिन हम कभी करते नहीं। हम हमेशा सोचते रहते हैं ये होगा तो मैं ये करूँगा, वो होगा मैं वो करूँगा, लेकिन उनमें एक बहुत रिमार्केबल क्वालिटी है कि वो उस समय वही होते हैं जहाँ पे वो उस समय रहते हैं, अच्छी लगे तो उनको डर नहीं लगता कि अच्छा मेरे हाथ से कुछ चला जाएगा या मुझे और कुछ मिल जाएगा, तो इतनी जो क्लैरिटी से वो डिसीजन ले पाते हैं, वो शायद इसी वजह से कि वो हमेशा 100% प्रेजेंट रहते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट बहुत फेमस है उनका, विकेट कीपिंग तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है ही, तो ज्यादा मुश्किल क्या था, हेलीकॉप्टर शॉट या विकेट कीपिंग? और फिर पूछूंगा कि हेलीकॉप्टर शॉट कैसे आपने खेला? दोनों ही बहुत मुश्किल थे। अच्छा। मुश्किल मैं बताऊंगा, क्योंकि विकेट कीपिंग में तो एक ऐसा ऑकवर्ड पोस्चर होता है कि आपकी बॉडी यूज तो नहीं होती वैसे बैठने की, और फिर आपको पता होता है कि 0.6 सेकंड में बॉल आपके पास आ जाएगी और आपको खड़ा भी होना है, और अगर बॉल आपने सही तरीके से नहीं पकड़ा तो फिर आपको चोट लगी। तो और ये डे इन एंड डे आउट किरण मोरे सर मुझे ट्रेन कर रहे थे। अच्छा। तो 200 बॉल 300 बॉल मैं कीप करता था, बैक शुरू हो गया था मेरा। इट टुक सम टाइम कि मैं यूज टू हो पाया उससे। हेलीकॉप्टर शॉट मुश्किल इसलिए था क्योंकि जिस दिन 4-5 महीने जब उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेला, प्रैक्टिस करी, उसके बाद हमने पहली बार वो हेलीकॉप्टर शॉट ट्राई किया था। अच्छा। तो लग रहा था वो विप आ रहा था और वो बॉल ऊपर भी जा रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था। कुछ 10-12 शॉट मैंने मार लिए, मैं वापस गया घर तो मुझे यहाँ पेन शुरू हो गया, और वो एक्सरे के बाद पता चला कि वो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है और आप रोक देते हैं उस शॉट को और वापस चले जाते हैं, तो उसकी वजह से मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। एक किस्सा ऐसा बताइए ना जो किसी को नहीं पता, किसी को भी मालूम नहीं है कि ये धोनी के साथ हुआ है या होना है अभी अगर। ऐसे तो गूगल पे आप जाइए तो सब कुछ पता है, फिल्म अनटोल्ड स्टोरी आपको गूगल से ज्यादा मुझे पता है, आपको फिल्म अनटोल्ड स्टोरी इसलिए कि हम ये बता रहे हैं कि वो जो है वो क्यों कैसे। अच्छा। तो ये अनटोल्ड है। मैं बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब मैं पहली बार उनसे मिल रहा था और बातचीत हो रही थी, उसके बीच में हमने ब्रेक लिया उस कॉन्वर्सेशन के बीच में, और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बल्ला कैसे पकड़ते हैं, और मैं उनको 12-13 साल से बहुत बड़ा फैन हूँ, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि MS धोनी जो है मेरे सामने खड़े होकर बता रहे कि ये ऐसे पकड़ना और ये ऐसे, और मैं बस देख रहा हूँ ये भी सच हो सकता है। अच्छा, आपका मैं सुपर फैन हो गया था जब मैंने ब्योमकेश बख्शी देखी थी। मैं पुराने जमाने का ब्योमकेश बख्शी देखने वाला आदमी, और एकदम ये नया ब्योमकेश बख्शी जब देखा, कितना मुश्किल होता है एक ऐसा, आपने बहुत मेहनत की थी वो ट्रांजिशन लाने में, उस काल में जाने में, अब आप एकदम नए काल में हैं, कहाँ सुशांत सिंह राजपूत, कहाँ झारखंड का धोनी, ये जो ट्रांजिशन बनाना पड़ता है एज एन एक्टर, ये कितना मुश्किल होता है? ये मुश्किल नहीं होता, ये वही चीज़ होती है जो आप फिगर आउट करते रहते हैं, आप क्योंकि इतने एक्साइटेड हैं उस चीज़ वो चीज़ करने में कि आपको कुछ चीज़ समझ में आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, और जो चीज़ समझ में नहीं आती वो फिगर आउट करने में आपके दिन निकल जाते हैं, प्रिपरेशन में, शूट में, राइट। तो ये बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो कि बहुत ही आपको रात को सोने नहीं देता इन अ वेरी गुड वे। तो फिर बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो लगेगा कि अरे कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। खेलने की हिस्ट्री कुछ रही है? नहीं, बहुत मैं अपने दिमाग में बहुत जैसे सब है, मैं अपने दिमाग में बहुत अच्छा क्रिकेटर था लेकिन वो कभी बाहर नहीं आया, मैं स्कूल टीम में भी सिलेक्ट नहीं हुआ कभी, लेकिन कोई तो गेम खेलता हूँ मैं, जैसे कबड्डी का मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन रन नहीं बनते थे मुझसे ज्यादा पहले, लेकिन अब सर ये तो हर एक से नहीं बनते वो 12-13 महीने जो मैंने प्रिपरेशन करी जी, तो लास्ट के 2 महीने हम लोग मैचेस खेल रहे थे उसमें मैंने बहुत सारे रन। अच्छा। और धोनी और नीरज दोनों थोड़े गुस्से वाले सीरियस लोग हैं, मुश्किल होती है उनके साथ शूट करने में, उनके साथ? नहीं, मैं भी वैसा ही हूँ ना, तो सब एक जैसे ही। अच्छा, तो सब आप भी थोड़े गुस्से वाले हैं ये पता चल गया। सीरियस जो कम बोलता है ऐसा।